आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं देश की जानी मानी लेखिका शोभा डे के बारे में। शोभा डे के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद बोल्ड लेखन करती हैं। जी हाँ, और उनके कई रहस्य भी हैं। मसलन मनोविज्ञान की उन्होंने उपाधि ली है और ग्लैमर की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। लेकिन एक परंपरावादी ब्राह्मण परिवार वे लड़की थी और उनके माता पिता ने यह शर्त रखी थी कि वे मॉडलिंग की दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगी जिससे उनके परिवार के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। बहरहाल वे मात्र 21 वर्ष की उम्र में टॉप फैशन मॉडल बन गई और 3 साल के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में कॉपीराइटिंग की और इसके बाद पत्रकारिता में प्रवेश कर लिया। 1971 में वे स्टारडस्ट की पहली महिला संपादिका बनी। उन्होंने इस किताब को हॉलीवुड की तर्ज पर हल्की फुल्की मनोरंजक पत्रिका का रूप दिया और इस किताब ने उन्हें सफलता दिला दी। उन्होंने इसमें बम्बईया हिंदी तथा अंग्रेजी के मिश्रण की भाषा प्रयोग की जिसे पाठकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद उन्होंने गॉसिप मैगजीन सोसाइटी शुरू की और जो बेहद सफल हुई। इसके पश्चात उन्होंने ब्रिटिश हेलो का भारतीय संस्करण सेलिब्रिटी लॉन्च किया जिसे उन्होंने बाद में सेल कर दिया। इसके बाद उनका पहला उपन्यास सोशियलिएट इवनिंग प्रकाशित हुआ जिसने सनसनी फैला दी और इसकी बिक्री एक रिकॉर्ड बनी। कुल मिलाकर अंग्रेजी उपन्यास की यह सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। इसके बाद उन्होंने लगातार 7 बेस्ट सेलर उपन्यास लिखे और सेक्स पर उन्होंने सबसे ज्यादा लेखन किया। लेकिन सेक्स का इतना खुला वर्णन पहले कभी नजर नहीं आया। उन्होंने सेक्स को बेडरूम तक सीमित न करके समुद्र तट, कार, ऑफिस तथा चौराहों तक ला दिया। उनके उपन्यासों के शीर्षक तथा कवर दोनों ही भड़काऊ रहते हैं और इस बारे में एक प्रकाशक का तो यह भी कहना है कि शोभा डे की हर किताब पर उनका ग्लैमरस फोटो होता है तथा उनके व्यक्तित्व के कारण भी लोग उन्हें पढ़ते हैं। यदि कवर हटा दिया जाए तो किताब का महत्व कुछ कम हो जाएगा, परंतु इसका खंडन न करते हुए शोभा डे इस बात का समर्थन करती है कि आज मेरा नाम बिकता है तो मैं उसका प्रयोग अपनी वस्तु के प्रचार में करती हूँ तो बुरा क्या है। मैं अपनी वस्तु के उत्पादन से लेकर कवर डिजाइनिंग तक सभी करती हूँ। उनका यह भी मानना है कि अब वह समय चला गया जब लेखकों को निरीह तथा बुद्धिजीवी सा दिखना जरूरी होता है। आज वह ग्लैमरस दिख सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।